अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की परेशानियों बीमारियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो है एग करी की रेसिपी। एग करी ये ग्रीन मसाले में बनाई हूँ और खोपरा डाल के बनाई हूँ। सूखा खोपरा आता ना वो, तो देखो कितनी अच्छी सॉफ्ट बनी हुई है, नरम। अच्छा ये देखो मैं कट करके अंडा बता रही हूँ। ये कड़ी खाने में बहुत अच्छी लगती है, अंडे का सालन बहुत अच्छा लगता है। देखो अंडे का सालन बनाई हूँ, तो मेरे को सालन बनाने के लिए दो अंडे बॉईल की थी और एक अलग टाइप का बताई हूँ, एक अलग टाइप का, जो आपकी मर्ज़ी आई वैसा बना के आप खाइए। बेसिकली मम्मी ने दो एग को बॉईल कर लिए थे और एक एग जो है वो रॉ ही डाले थे, कच्चा अंडा, और इस तरीके से बनाए थे, तो बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनी थी। आइए नोट करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। ये दो अंडे है, ये दो अंडों को मैंने पानी में बॉईल कर दिया था और एक प्याज ली थी मैंने, ऐसे साफ़ करके एक प्याज ले ली थी, एक टमाटर ली थी और ये थोड़ा हरा सूखा खोपरा है, सूखा खोपरा ले ली थी थोड़ा, और एक चम्मच ज़ीरा, ये ज़ीरा है एक चम्मच, और ये नमक, और ये एक इंच अदरक का टुकड़ा और थोड़े लहसुन के जावे, और एक चार हरी मिर्ची और थोड़ा सा कोथमीर ली थी मैंने, हरा धनिया, और ये सूखे मसाले हैं। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स इस कड़ी में जाएगी। तो मैंने पहले दो अंडे बॉईल करने के लिए रख दी थी, ये दो अंडे हैं ये मैंने बॉईल करने रख दी थी। एक तपेले में एक गिलास पानी डाला था, दो अंडे बॉईल कर दी थी। तो देखिए ये अंडे कम्प्लीटली बॉईल हो चुके हैं, अभी जो है मम्मी इसका छिलका उतार रहे हैं। इसे इस तरीके से बाहर का जो शेल होता है वो निकालिएगा और अखे ही मम्मी इसे फ्राई कर लेंगे अंडे को। ये ठंडे पानी में डाल के मैंने साफ़ कर ली थी। यहाँ पे 1 मीडियम साइज की अनियन को मम्मी चॉप कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। फट फट तेज हो जाते, इसको मोटा मोटा काट के मैंने फ्राई पैन में फ्राई कर ली थी, कच्चा पक्का फ्राई कर ली थी, ऐसा जाड़ा जाड़ा काट के। देखो मैं काट रही हूँ ना इस तरीके से, मोटा मोटा काट लो और फिर इसको फ्राई पैन में फ्राई कर लो। और एक टमाटर को भी मैंने चॉप कर ली थी, देखो ये एक टमाटर है, इसको बारीक बारीक ऐसे चॉप कर लेने का। एक टमाटर डाली थी, एक प्याज डाली थी, थोड़ा सूखा खोपरा, ये हरे मसाले में बनाई हूँ तो ये खोपरे वाला ही बनाते हैं। मेरे घर में फैमिली मेरी कम है इसके लिए मैंने दो अंडे डाली थी, आपकी फैमिली बड़ी होगी तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और ये एक चम्मच तेल डाल के मैंने इसमें सूखा खोपरा फ्राई कर ली थी। ये देखो सूखा खोपरा मैंने डाली, इसको अच्छे से फ्राई कर ली थी, थोड़ा ब्राउन कलर का बना ली थी, तो क्या पीसने में भी आसानी होती है और बारीक पाउडर अच्छा बन जाता है इसका फ्राई करने से, तेल भी छोड़ने लगता है वो। तो इसको इस तरह फ्राई कर लेना। और इसमें मैंने डाली थी एक चम्मच ज़ीरा, ज़ीरा भी खोपरे के साथ ही भून गया था। ये देखो ये एक चम्मच ज़ीरा मैंने डाली है, इसको खोपरे के साथ ही भून गया था। इसको अच्छे से ब्राउन कलर का होने तक रखना और इसको ब्राउन कर लेना इस तरह। अब मैं इसको मिक्सी की जाल में निकाल लूँगी। ये देखो कितना अच्छा कलर आया है,
अच्छे से भून गया है। अभी मैं मिक्सर की जार में निकाल लूँगी और इसको अच्छा बारीक पीस लूँगी। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी सब मसाले डालूँगी। इसमें मैंने डाली हूँ एक अदरक का टुकड़ा चॉप किया हुआ, और ये लहसुन के जवे, चार हरी मिर्ची कट करके। आपको अगर आप तीखा खाते तो ज़्यादा मिर्ची भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लोग कम तीखा खाते हैं, इसके लिए मैंने चार ही डाली थी। और उसके बाद मैं हरा धनिया भी इसमें मिक्स कर ली थी, तो ये अच्छा बारीक पाउडर बन गया था। मिक्सी के जाल में इसको बारीक पीस ली थी मैंने, ढक्कन लगा। और वो जो बचा हुआ तेल है उसमें प्याज सौते कर ली थी, ब्राउन कर ली थी प्याज उसमें। खोपरा भून के जो तेल बचा था ना उसमें मैंने प्याज ब्राउन कर ली थी। तो इस तरीके से आपने सौते करना है, कंटिन्यू स्पैचुला की हेल्प से इसे मिक्स करते रहिएगा, सौते करते रहिएगा। और जब तक कि आपको सौते करना है, जब तक इसका कलर चेंज हो जाए, तो जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये डार्क ब्राउन सा हो जाएगा, अच्छा डार्क ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन नहीं करना है, ना ही ट्रांसपेरेंट करना है, इसका कलर कम्प्लीटली चेंज होना चाहिए, डार्क ब्राउन टू ब्लैक होना चाहिए। तो इससे ये होगा कि इसका फ्लेवर और इन्हेंस होगा ये ग्रेवी का, और भी टेस्टी लगेगी। तो ये इसका मेन स्टेप है, और ये बहुत ही पॉइंट की बात है, आप नोट कीजिएगा कि इसका कलर अच्छा डार्क ब्राउन होना चाहिए, प्याज जो है फुल्ली कुक्ड होनी चाहिए, पूरी पकी हुई। और फिर मम्मी जो है इसे मिक्सी ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरीके से ग्राइंड करके फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो जो मम्मी ने हरा धनिया डाले थे मिक्सर ग्राइंडर में, जो हरी मिर्ची लहसुन अदरक और सूखा खोपरा था, उसको जो मम्मी ने ग्राइंड किए थे, अच्छा बारीक सा पेस्ट बनाए थे, उसमें ही अनियन डाल देंगे और साथ ही साथ इसको भी पीस लेंगे। तो एक अच्छा थिक हमको पेस्ट मिल जाएगा, और फिर वो पेस्ट जो है हम लोग ग्रेवी के लिए यूज़ करेंगे। तो इसको मैंने ये देखो इस तरीके से कर ली, प्याज को इस तरीके से भून लेने का, और ये खोपरा पीसा हुआ है ना हरा मसाला, और उसमें ही मैंने प्याज डाल दी थी ताकि वो इस तरीके से अच्छे से पीस जाए। तो इस तरीके से पहले ड्राई कोकोनट वाले मिक्सचर को अच्छी तरीके से फाइन पेस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सी पानी डाल के अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लीजिएगा। उसके बाद मम्मी ने इसमें अनियंस डाले हैं, और अनियन डाल के और एक बार पीस लीजिएगा ताकि वो सब सेम हो जाए बारीक एकदम पाउडर के जैसा। हमें इसका फाइन पेस्ट चाहिए, तो मेक श्योर कि 5 to 10 minutes के लिए अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लें, ऐसा नहीं हो जाए कि इसमें चंक्स रह जाए। इसको अच्छा बारीक पीस लो, थोड़ा पानी डाल के पीस लेने का। ये देखो इस तरीके से, ये देखो मैं बता रही हूँ ना, इस तरीके से होना चाहिए पेस्ट। प्याज भी अच्छे पीसे गई, खोपरा भी और हरा मसाला भी। अभी मम्मी इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर रहे हैं। नेक्स्ट जो मम्मी ने लिए यहाँ पे बे लीफ, तेज पत्ता, और यहाँ पे फ्राई पैन में 2 tablespoons ऑयल डालेंगे, साथ ही साथ इसमें जो बॉइल्ड एग है वो डालेंगे, उबले हुए अंडे। और मम्मी ने इसे एक नाइफ़ की हेल्प से थोड़ा सी इसमें खड्डे कर ली थी, मैंने चुबा ली थी वो, होल्स कर लिए थे ताकि वो ऑयल उड़े ना इसके। तो मेक श्योर कि थोड़ा होल कर ले आप कोई स्क्वायर की हेल्प से, और फिर इसको इस तरह फ्राई कर ली थी, उसमें थोड़ा हल्दी डाल दी थी ताकि अंडे को भी हल्दी लग जाए।
अभी मम्मी ने इसमें हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर ऐड की है, आधी चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, और इसे फ्राई करके जो है एक बॉल में निकाल ली थी, और फिर उसमें टमाटर और तेज़पत्ता डाल के उसको ब्राउन कर ली थी, और ये हरा मसाला पीसा हुआ डाल दी थी। तो जो ऑयल में मम्मी ने एग को फ्राई की थी, फ्राई करके निकाली, उसी ऑयल में मैंने मसाला बना ली और एक चम्मच नमक डाली। अब इसको अच्छे से भून लूँगी और इसमें पानी डाल दूँगी। एवरेस्ट का मटन मसाला एक चम्मच डाली थी। तो जो एवरेस्ट का मीट मसाला होता है वो मसाले में सभी चीज़ें होती है, तो बाकी आपको कोई इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ड्राई स्पाइसेस वगैरह सीजनिंग के लिए। तो बस यही एक मीट, एवरेस्ट मीट मसाला पाउडर ही काफ़ी रहेगा, और साथ ही साथ इसमें गया है सॉल्ट। अभी मसाला अच्छे से भून जाएंगे तो इसमें मैं पानी डाल दूँगी और इसको अच्छा बॉईल कर लूँगी। इसको अच्छा बॉईल आने के बाद फिर मैं बताती हूँ आपको। एक कच्चा अंडा इसमें छोड़ दूँगी मैं। ये देखो तेल आने लगा साइड पे किनारों पे, तो अब मैं इसके बॉईल आने दो अच्छे से। अब मैं इसमें एक अंडा फोड़ के डाल दूँगी। ये देखो इस तरह। तो ये अक्खा अंडा और रॉ एग है, कच्चा अंडा इसमें जाएगा, ताकि फिर बाद में मम्मी इसे स्लो फ्लेम पे कवर करके रख देंगे और उसमें वो पक जाएगा। ऐसा कवर करके रख देने का तो अंडा पक जाता है। तो ये एक मेथड से मम्मी ने बताया है। सेकेंड मेथड ये है कि इसमें जो फ्राई एग है, जो बॉइल्ड एग को फ्राई किए थे, वो ये ग्रेवी में भी आप डाल के इस तरीके से भी ग्रेवी बना सकते हो। तो बस मम्मी से स्पैचुले की हेल्प से मिक्स कर रहे थे, चेक कर रहे थे, तो ये कम्प्लीटली बन चुका है। अभी मम्मी इसे डिश आउट कर लेंगे, एक सर्विंग ट्रे में निकाल लेंगे, और फिर बाद में यही ग्रेवी में मम्मी जो अंडे बॉईल करके रखी थी वो छोड़ दूंगी, तो दूसरी ग्रेवी आपको चाहिए ऐसा खाइए, बना के आपको चाहिए वैसा खाइए, जो भी आपकी मर्जी है। देखो इस तरीके से निकाल लेने का, देखो अंडा पक गया है, ये बहुत टेस्टी और अच्छी बनती है ऐसी ग्रेवी सूखे खोपड़े की। सूखा नारियल है ये देखो कितनी अच्छी बनी हुई है। ये बन गई एक ग्रेवी। अब वो जो अंडे बॉईल करके फ्राई करके मैंने साइड में रखे हुए वो उस ग्रेवी में छोड़ दूँगी। ये देखो ये छोड़ रही हूँ, देखो हाँ ये दूसरी ग्रेवी बन गई। इस तरह बन जाना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। अभी जो है मम्मी इसे डिश आउट कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी डिलीशियस बनी थी। आप इसे खिचड़ी के साथ इंजॉय कर सकते हो। ये रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मम्मी ने इसे कोरिएंडर लीव्स, हरे धनिया से गार्निशिंग कर लिए थे। देखो कितनी अच्छी बनी हुई है, कलर भी अच्छा आया हुआ है, टेस्ट भी अच्छा है, खाने में बहुत मज़ेदार है। आप भी अपने बच्चों को, अपने घर वालों को इसी तरीके से बना के खिलाइए। अलग अलग टाइप से पका के खिलाओगे तो उनको भी मज़ा आएगा, और हमारे हाथ में भी अलग अलग टेस्ट, अलग अलग पकवान का हमको भी तजुर्बा हो जाएगा कि कैसा बनाते हैं, क्या बनाते हैं। तो इस तरीके से मम्मी और भी डिफरेंट टाइप के एग के रिलेटेड रेसिपी आप सबसे शेयर करेंगे, अंडे की डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज। आप ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे साथ। इसी के साथ ये वीडियो यही एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मेरी हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अगर आप न्यू है हमारे चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा,
साथ ही साथ अपने फैमिली और फ्रेंड्स में रेसिपी को शेयर भी किएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एग करी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल देन, जज़ाकअल्लाह वीडियो को एंड तक देखने के लिए।